नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप सभी देख रहे हैं किंग्स ऑफ मैजिक। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GTA SA.LITE आप अपने एंड्रॉयड में कैसे चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक मिनट दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिससे आप वो लिंक खोल पाओ। तो उसके लिए आपको मेगा ऐप, ये वाला ऐप दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। एक मिनट, पिक्चर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ दोस्तों, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाके MEGA लिखना है और वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक खोलनी है। मैंने इसको सेव करके रखा था इधर और मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों। आपको भी वहीं से खोलना है। मेरा नेट थोड़ा बेकार है दोस्तों, तो शायद आपको मैं ना दिखा पाऊँ। ये आएगी दोस्तों ऐड बीच में, समझे दोस्तों? तो ये देखिए बीच बीच में ऐड आएगी, तो परेशान तो होना पड़ेगा। तो सो तो मेरा नेट बेकार से खुल नहीं रही। आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको मेगा एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर लिंक खोलेंगे तो डायरेक्ट मेगा से लिंक खोलेगी, ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद लिंक डाउनलोड करने के बाद मेगा से खोलिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का नीचे ऑप्शन रहेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए ZRChiever। फिर उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एक जानी मानी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ZRChiever, जो कि ZDev ने बनाया था दोस्तों। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर क्या करना है दोस्तों, वो लिंक आपने मेगा से खोली और ZRChiever पे चले गए। फिर आपको क्या करना है, आपको मेगा फोल्डर पे जाना है। हाँ दोस्तों, मेगा का एक फोल्डर होगा क्योंकि अपन ने वहाँ से लिंक डाउनलोड करी थी दोस्तों। ये है वो, ऐसा दिखेगा दोस्तों। तो उसको खोल लेना है। उसके बाद मेगा डाउनलोड्स, उसके बाद यहाँ GTA SA.LITE आपको दिख रहा होगा, GTA SA.LITE। बस क्या करना है, उसको दबा के एक्सट्रैक्ट कर लेना है और जाके पेस्ट कर देना है अपने एंड्रॉयड के फोल्डर पे। एंड्रॉयड पे जाके डाटा पे जाना है दोस्तों, फिर पेस्ट कर देना है। हाँ दोस्तों, तो रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले से करके रखा हूँ। रिप्लेस करने के बाद क्या करना है, उधर पे ही जाके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने कर लिया है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, आप जानते ही होंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, से क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन में क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इंस्टॉल का बटन दबा देना है। तो आपका GTA SA.LITE खुल जाएगा और आप खेल सकते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एंड्रॉयड में नहीं चलेगा क्योंकि कई एंड्रॉयड में नहीं चलने वाला है गेम, क्योंकि ये दोस्तों बहुत एंड्रॉयड सैमसंग के अच्छे एंड्रॉयड हैं। मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं, J7 है, नहीं प्रो J7, ओनली J7। तो दोस्तों J7 है मेरा, इसलिए शायद इसमें ना चले, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है GTA SA.LITE अच्छा गेम है, इसलिए वो मेरे एंड्रॉयड J7 में नहीं चलेगा। फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता दोस्तों चल जाए। लोडिंग ले रहा है दोस्तों। यहाँ आपको वो कुछ हाँ दोस्तों ऐसा कुछ आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये सब ये मांगेगा दोस्तों, बिल्कुल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाता है, क्लिक कर देना है।
तो मेरे में नहीं चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली GTA SA.LITE एंड्रो गेमर हैज़ स्टॉप्ड। मैंने कहा था दोस्तों ये मेरे एंड्रॉयड में नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों ये मैं सोचेगा आपके एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, आपके एंड्रॉयड में ज़रूर चलेगा क्योंकि ये अच्छा गेम है और आपका एंड्रॉयड अच्छा हो तो ज़रूर चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको ऐसे बड़े बड़े गेम्स हैक करने और अपने एंड्रॉयड में चलाने ज़रूर मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसमें आपका लॉस ही है, क्योंकि अब मैं डालूंगा 2K16, WW2K16 आप अपने एंड्रॉयड में कैसे चला?